चार दिन पूर्व गला रेतकर की गई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने 22 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें कि हमीरपुर के कस्बा मौधा में बीती 10 अक्टूबर की रात पिपरौंदा रोड में यूसुफ की हत्या की गई थी, जिसका शव 12 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद से पुलिस ने सक्रिय कार्यवाही करते हुए आज सुबह दो हत्यारोपियों को बसवारी रोड रात तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त सरफराज व फैजान ने कबूल किया कि 11,500 रुपए के लेनदेन के चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। सरफराज ने यूसुफ से 11,500 रुपए लिए थे। यूसुफ सरफराज से लगातार अपने पैसों की मांग कर रहा था, पैसे न चुकाने पड़े, इसीलिए सरफराज ने अपने दोस्त फैजान के साथ मिलकर यूसुफ को रास्ते से हटाने की सोची और 10 अक्टूबर की रात को दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से गला घोंटकर यूसुफ की हत्या कर दी, जिसका खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने किया है। को ये मोहम्मद यूसुफ है और इनका पिताजी का नाम हलीम है और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष। इनका खेतों में शव मिला था और शव मिलने के बाद तत्काल इनके 23 वर्ष में जो संबंधित थाना मौजूद है वहाँ के पुलिस और क्षेत्र अधिकारी और मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक निरीक्षण किया गया था और इसमें जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस घटना का खुलासा कर दिया गया और इसमें दो व्यक्ति जो थे इन्होंने जो है हत्या करना कबूल किया, गिरफ्तार किया गया। इन्होंने जो है आला कतल जो चाकू जिससे गला रेत करके हत्या की थी वो भी बरामद कर लिया गया। जो हत्यारोपी हैं वो सरफराज कुरैसी और फैजान अहमद हैं, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई और इनको जेल भेजा गया। हत्या के कारण क्या है? हत्या का कारण जो मृतक था उसको जो है जो अभियुक्त है उनसे अपने पैसे लेने थे और पैसे लेने के विवाद को लेकर के जो है वो लगातार इनके साथ गाली गलौज करता था, धमकी देता था, इसी से ऊब करते हुए इन्होंने इसके गला रेत कर।